पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट किया था। अब चैप्टर नंबर 12 हेरॉन्स फॉर्मूला। होता क्या है, जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है और इसमें हाइट दी हुई है, ABC ट्रायंगल है, इसमें हाइट दी हुई है AD। तो इसका एरिया मैं आज आराम से निकाल सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा हमारा BC, और हाइट क्या हो जाएगी AD, तो BC इंटू AD। कभी कभी क्या होता है, आपको सिर्फ ट्रायंगल दिया होता है, इसमें हाइट का पता नहीं होता है, हाइट का पता नहीं होता है, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, है ना? तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हेरॉन्स फॉर्मूला। क्या यूज़ करेंगे, हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला है आपका कि जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है ना मुझे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है। अब इसमें एस क्या है, एस जो है ये आपका सेमी पेरीमीटर है। क्या है, सेमी पेरीमीटर। और ABC क्या है, ए आपकी पहली साइड है, बी आपकी दूसरी साइड है और सी आपकी तीसरी साइड है, बराबर है? तो सेमी पेरीमीटर कैसे मिलेगा, तो सेमी पेरीमीटर के लिए आपको तीनों साइड को ऐड करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर मतलब आपको तीनों साइड को ऐड करना पड़ेगा, और सेमी मतलब कितना होता है, आधा। तो आधा मतलब डिवाइड बाय टू कर देना पड़ेगा, आधा मतलब डिवाइड बाय टू कर देना पड़ेगा। तो ऐसे क्या मिलेगा आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल। आया समझ में? तो जहाँ पे हमको ट्रायंगल में हाइट नहीं पता रहता है, तो उसका एरिया निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हेरॉन्स फार्मूला। तो हेरॉन्स फार्मूला क्या है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। कैसे मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ए बी सी क्या है, ये आपका ट्रायंगल का साइड्स है, बराबर है? चलो क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको एक ही एक्सरसाइज है, 12.1। 12.2 जो एक्सरसाइज है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमको एक ही एक्सरसाइज करनी है। एक एक्सरसाइज होगी तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो देखो क्या बोला, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल हेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड कौन से शेप में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में है, और उसकी साइड क्या है, ए है, बराबर है? साइड क्या है, ए। तो फाइंड एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180। पेरीमीटर मतलब आपको क्या दिया हुआ है कि ये तीनों साइड, 1 2 3, तीनों साइड को ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 180। तो हमको क्या फाइंड करना है, इसका एरिया। क्या फाइंड करना है हमको, इसका एरिया, है ना? क्या फाइंड करना है, एरिया। तो ये ए बी सी ले, तो हमको पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना है, 180 क्या है ये, सेंटीमीटर, ठीक है? अब पेरीमीटर कैसे मिलेगा, तीनों साइड को ऐड करने पे, मतलब ए प्लस ए इज इक्वल टू 180, तो 3A इज इक्वल टू 180, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। ए इज इक्वल टू कितना मिल गया, 60 सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो एरिया के लिए क्या चाहिए आपको, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों साइड का सम अपने को 180 दिया हुआ है, अपॉन टू, तो कितना हो जाएगा ये, 90 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 90 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे, बाय कौन सा फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला, बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या फॉर्मूला था, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस कितना है हमारे पास, 90, तो 90 90 माइनस ए कितना है आपका, 60।
90 माइनस बी भी कितना है आपका 60, और 90 माइनस सी भी कितना है आपका 60, इज इक्वल टू तो 90, तो 90 माइनस 60 कितना आएगा 30, इंटू ये भी कितना आएगा 30, ये भी कितना आएगा 30। अब ये जो 90 है इसको आप क्या लिख सकते हो, 30 इंटू 3, 30 इंटू 3 ये ऐसे ही रहेंगे 30 30 30। अब देखो ये दोनों का एक पेयर बन रहा है, ये दोनों का एक पेयर बन रहा है, तो ये दोनों में से एक एक क्या आ गया बाहर आ गया 30 इंटू 30, रूट में क्या बच गया 3, तो ये कितना हो जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा 900। तो हमको क्या मिल गया एरिया, और ये जो सिग्नल है जो सिग्नल बोर्ड है हमारा उसका एरिया कितना मिल गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर टू क्या बोला है कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर, है ना, ट्रायंगुलर साइड वॉल है फ्लाईओवर की, हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, किसके लिए यूज हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट के लिए। अब एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज हो रहा है मतलब वो फ्री में तो होएगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। साइड्स आर 122, 122, 22 और 120 मीटर, किसमें है ये, मीटर में। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स मतलब वहाँ से जो अर्निंग्स आती है वो कितनी आती हैं, 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का कितना रेंट होता है वहाँ पे, 5000। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स एक कंपनी ने कितने मंथ्स के लिए हायर किया उसको, 3 मंथ्स के लिए, तो कितना उसको रेंट पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए कितना है आपका 122 प्लस 22 प्लस 120, तो ये हो गया आपका 4 6 2, है ना, ये और ये कितना हो गया 4 फिर 6 और ये 2। फिर क्या चाहिए अपने को, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर तो कितना मिलेगा, सेमी पेरीमीटर आपको 264/2, कितना हो जाएगा ये 132 मीटर। सेमी पेरीमीटर कितना मिला, 132। अब क्या चाहिए हमको, एरिया, तो बाय कौन सा फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला, बाय हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होएगा, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होएगा क्या, बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो इसको भी ए बी सी नाम दे देते, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होएगा, सेमी पेरीमीटर कितना हमारे पास 132 ना, तो 132, तो 132 माइनस पहला कितना 122, फिर 132 माइनस कितना कितना होएगा ये 22, और 132 माइनस 120 बराबर है, माइनस कितना हो जाएगा 120। चल अब कितना कितना बचेगा देखो, यहाँ पे 132 इंटू 132 माइनस 122, 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 120, और ये कितना आएगा आपका 12, ये 120 नहीं 110 आएगा, और ये कितना आएगा 12 बराबर है। अब आप 132 को कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर मैं 12 इंटू 11 करता हूँ तो ये 2 होएगा, ये 1 होएगा, ये 2 होएगा, ये 1 होएगा, तो 2 3 1, तो मतलब 11 इंटू 12 लिख सकते हैं हम लोग, 11 इंटू 12 हम लिख सकते हैं, ये इंटू 10 ऐसे ही रहने दो, ये इंटू 110, तो 10 इंटू 11 ना,
और ये 12 को ऐसे रहने दो। तो देखो ये 11 का पेयर बन रहा है, ये 12 का पेयर बन रहा है, ये 10 का पेयर बन रहा है। तो 11 इंटू 12 इंटू 10, तो 11 इंटू 12 कितना आ गया आपका 132, और 10 मतलब 1320 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। ये क्या आ गया? एरिया आ गया, बराबर है। अब ये पेयर में क्यों बाहर आ रहा है? क्योंकि ये रूट में है ना। तो 10 इंटू 10 कितना होता है? 100। 100 का अंडर अगर रूट में है तो स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। तो ये 10 बाहर आता है, एक बार बाहर आता है। अब ये इतना पूरा एरिया है, कितने महीने के लिए हायर किया है? 3 महीने के लिए। अब ये जो 5,000 है, ये पूरे साल भर का है। तो अमाउंट और रेंट पेड बाय कंपनी, पेड बाय कंपनी कैसे मिलेगा? ये एरिया है 1320। अब ये जो एरिया है ना, ये कंपनी इतना यूज करी, और एक एक मीटर स्क्वायर का कितना है? 5,000। लेकिन ये 5,000 जो है ये पर ईयर का है, हमको कितने के लिए चाहिए? 3 महीने के लिए चाहिए। कितने के लिए चाहिए? 3 महीने के लिए चाहिए। तो 3 1 3, 3 4 12। अब 4 3 12, 4 3 12, फिर हम क्या करेंगे? 5,000 इंटू 330, तो 0 0 0 0 0 0 0 15, 0 0 0 15। तो 1 2 3 4 5 6 और 1, 16 लैख 50,000। कितना आएगा? रुपीज 60 लैख 50,000। इतना रेंट क्या करना पड़ेगा? कंपनी ने पे करना पड़ेगा। आया समझ में क्या किया हमने? चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन द सेम कलर। स्लाइड है पार्क में, तो उसमें जो साइड वॉल है वो किसमें कलर किए गए? सेम कलर में, पेंटेड इन द सेम कलर। और उस पर मैसेज लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन इफ द साइड्स ऑफ साइड्स आर कितना? 15 11 और 6। ट्रायंगुलर शेप है ना, 15 11 और 6 मीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन ग्रीन कलर। तो हमको किसका एरिया करना है? जो एरिया किसमें पेंटेड है? ग्रीन कलर में। तो क्या निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले पेरीमीटर, क्या निकालेंगे? पेरीमीटर कैसे मिलेगा? ए प्लस बी प्लस सी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो 15 प्लस 11 प्लस 6, तो 15 और 11 कितना हो गया? 26, और प्लस 6 कितना हो गया? 32 मीटर। अब क्या चाहिए आपको? सेमी पेरीमीटर। क्या चाहिए? सेमी पेरीमीटर। तो 32/2 इज इक्वल टू 16 मीटर। अब क्या चाहिए आपको? एरिया। तो बाय कौन सा फॉर्मूला होएगा? एरिया बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। चल तो एस कितना है हमारे पास? 16। तो 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, और 16 माइनस 6। तो देखो, तो ये 16, ये कितना आएगा? 1। ये कितना आएगा? 5। ये कितना आएगा? 10, बराबर। अब 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, इसको ऐसे रहने दो। 5 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। तो ये 4 बाहर आएगा, यहाँ से 5 बाहर आएगा, और अंदर क्या बचेगा? सिर्फ 2। अंदर क्या बचेगा? सिर्फ 2, मतलब 20√2 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा एरिया? 20√2 मीटर स्क्वायर, बराबर है। चल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चल फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल
टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10। ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, ये 18 है ये 10 है, और इसका पेरीमीटर दिया है हमको कितना 42। इसका एरिया फाइंड करना है, तो क्या आएगा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमको तीसरी साइड फाइंड करनी पड़ेगी ना, तो पेरीमीटर कैसे मिलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। पेरीमीटर कितना दिया आपको पूरा का पूरा 42, ए बी कितना है 18, बी सी कितना है 10, ए सी नहीं पता है। तो ए सी इज इक्वल टू 42 माइनस 28, तो ए सी मिलेगा आपको कितना 14 सेंटीमीटर, कितना मिलेगा 14 सेंटीमीटर, बराबर है ना। अब क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना है ये 42/2 मतलब 21 सेंटीमीटर। तो एरिया बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, एरिया बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। क्या है हेरॉन्स फॉर्मूला, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलो तो एस कितना है हमारे पास 21, तो 21 माइनस पहला साइड कितना है 18, दूसरा साइड कितना है 10 और तीसरा साइड कितना है 14। चलो तो 21 इंटू, इसको करेंगे तो कितना होएगा 3, ये कितना होएगा 11 इंटू, ये कितना होएगा 7, बराबर। तो अब 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 3 × 7 × 3 × 11 × 7। तो देखो 3 और 3 का पेयर बन रहा है 7 और 7, 11 अंदर ही रहेगा, तो 3 × 7 बाहर आया और 11 कहाँ रह गया अंदर। तो 21√11 cm², ये मिल गया हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12, 17 और 25, पेरीमीटर कितना है 140। तो इसमें हमको कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा, तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो क्या हो जाएगा 12x + 17x + 25x इज इक्वल टू कितना 540 सेंटीमीटर, बराबर है। तो 12 और 25 कितना हो जाएगा आपका, 12 और 25 39, नहीं 39 नहीं आएगा, 27 आएगा। तो 37 + 17, 37 + 17 कितना हो जाएगा आपका 54x इज इक्वल टू 540x सॉरी सेंटीमीटर। तो x इज इक्वल टू 540/54, तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 10। तो देयर फॉर साइड्स क्या हो जाएंगी आपकी, साइड्स 12 × 10 कितना आएगा 120 सेंटीमीटर, 17 × 10 कितना 120 और 170 सेंटीमीटर, और 25 × 10 कितना हो जाएगा ये 250 सेंटीमीटर। तो इसके आगे का जो सॉल्यूशन है वो क्या होएगा, होमवर्क। ये क्या करना है आपको, होमवर्क में सॉल्व करना है। साइड्स पता चल गई हमको, तो हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर के बाद आप क्या निकाल लोगे, एरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये भी आपके लिए क्या होएगा, होमवर्क होएगा। क्या होएगा, होमवर्क। देखो क्या बोला है, एन आइसोसेलस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30, मतलब तीनों साइड्स का सम कितना है 30 सेंटीमीटर, एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज कितना बोला है 12। इक्वल साइड कितना है 12, तो 12 और 12 कितना होगा 24, और 30 − 24 कितना बचेगा 6। तो ये 6 सेंटीमीटर आपकी तीसरी साइड होगी, है ना। अब तीसरी साइड भी मिल गई, तो इसका क्या निकाल लोगे, एरिया। तो आज हमारा ये चैप्टर भी क्या हुआ, खत्म हो गया, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है।